मुझसे कई सारे लोग पूछते हैं कि मैं फास्ट कैसे रखूं, मैं भूखे नहीं रह पाती हूं, या फिर मुझे हेडेक हो जाता है या एसिडिटी इशू होता है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम होलसम फास्ट कैसे फॉलो कर सकते हैं। एक ऐसा होलसम फास्ट जो कि ना कि सिर्फ आपको वेट लॉस अचीव करने में हेल्प करेगा बट आपकी स्किन भी ग्लोई बनाएगा और आपको और एनर्जेटिक फील करवाएगा। हाय, दिस इज गीता प्रेमानी, न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम ऑप्टिमा रेमेडी। ओके, सो लेट्स सी कैसा होना चाहिए आपका डाइट ड्यूरिंग नवरात्रि। तो सबसे पहले सुबह उठते साथ आपको एक ग्लास नींबू पानी पीना है। जरूरी नहीं है कि आपको आधा नींबू स्क्वीज करके डालना है या फिर पूरा एक नींबू डालना है, अपने टॉलरेंट के हिसाब से आप 2 से 3 ड्रॉप्स भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक मिथ बस्ट करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि लेमन वाटर अर्ली मॉर्निंग पीने से एसिडिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब नींबू पानी के साथ डाइल्यूट होता है तो हमारे बॉडी के अंदर जाके वो हमारे स्टमक और एंटायर बॉडी को एल्कलाइन बनाता है। एक बात आपको याद रखनी है कि इस नींबू पानी में आपको कोई भी हनी या और कोई स्वीटेंट ऐड नहीं करना है। तो ये लेमन वाटर के साथ आपको लेने हैं सोक्ड नट्स। आप 2 बादाम, 2 अखरोट भिगोए हुए ले सकते हो, या तो आप 4 से 5 कोई भी एक नट एक टाइम पे ले सकते हो। अब आते हैं चाय की तरफ। वैसे तो फास्टिंग में चाय नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपके दिन की शुरुआत चाय के बिना नहीं होती तो आप स्पाइस टी ले सकते हो, और अगर आप दूध वाली चाय लेना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप क्वांटिटी कम ले रहे हो और बिना शक्कर की ले रहे हो, और ये बिना शक्कर के लेने से आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग बनेगी। अब आते हैं मिड मॉर्निंग में। मिड मॉर्निंग में आपको लेना है एक होल फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट जो अवेलेबल हो। मेक श्योर दैट यू आर नॉट ड्रिंकिंग दी फ्रूट जूसेस बट टेकिंग दी होल फ्रूट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लंच। लंच में आपको लेना है दही चावल, लेकिन ये जो चावल है ये रेगुलर चावल नहीं है, इसे सामा चावल बोलते हैं जो कि उपवास में खाए जाते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप राजगिरा या कुट्टू की रोटी उसके साथ दही ले सकते हो, और इसे टेस्टी बनाने के लिए आप फ्लैक्स सीड या शेंग दाने की चटनी ऐड कर सकते हो दही के अंदर। After 3 to 4 hours, when you wish to have evening snack, जो कि ज़रूरी नहीं है, अगर आपको भूख लगे तो ही आप इसे लीजिए, otherwise you can go for an early dinner. तो evening snack में आप ले सकते हैं roasted मखाना और roasted peanut, और अगर कुछ गर्म खाने की इच्छा है तो you can go for boiled रतालू जो कि sweet potato होता है। Now the most important thing I wanted to discuss, the essence of fasting is having early dinner. Now why? Because after sunset our metabolism goes down और हमें अच्छा खासा time मिल जाता है हमारी body को detoxify करने का। Dinner early के साथ साथ light भी होना चाहिए, तो आप dinner में शिंगाड़े के आटे का pancake और coconut चटनी ले सकते हो। Salted पनीर के साथ अगर आप कोई vegetable खाते हो या आपके fasting में allowed है तो आप वो include कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहीं पे भी साबूदाना या पटेटो की कोई रेसिपी नहीं शेयर की है इसमें। ये जो 2 चीज़ें हैं जो कि मोस्टली कंज्यूम होती है, हालांकि ये सबसे लीस्ट कंज्यूम करनी चाहिए बिकॉज इनमें न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत ही मिनिमल होता है। अब अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ सोप नट्स और लेमन वाटर से आपका पेट कैसे भरेगा, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक मैजिकल जूस की रेसिपी जो कि आप ले सकते हो मॉर्निंग में, जो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करेगी प्लस आपकी स्किन भी ग्लोई बनाएगी। और इतना ही नहीं, ये बहुत फिलिंग भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट एशगर जूस, जिसको हिंदी में पेठा भी बोलते हैं। सो हाउ डू वी मेक दिस जूस? इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी। यू जस्ट हैव टू गेट 1 पेठा जिसका स्किन और सीड्स आपको निकालने हैं। इसके छोटे छोटे पीसेस करके आपको मिक्सर ग्राइंडर में उसका जूस बनाना है। जूस बनाने के बाद आपको इसे स्ट्रेन करके पीना है। ध्यान रखिए आपको एक्सेसिव जूस नहीं लेना है, 1 ग्लास इज सफिशियंट। अगर आप ये डाइट 9 डेज तक फॉलो करते हो, ना कि आपका सिर्फ वेट लॉस होगा बट आपका स्किन ग्लो होगा और बहुत एनर्जेटिक और लाइट फील करोगे। दिस इज द बेस्ट डाइट टू फॉलो इन नवरात्रि। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और जल्दी जल्दी आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए पर्सनलाइज्ड डाइट बनाएं तो हमारा व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। हैप्पी नवरात्रि।